कि भैया हम चर्चा करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो अगर नहीं हो पाएगा तो फिर बिल्कुल स्वतंत्र है हर आदमी आपकी बात करने के लिए। बिजली आदमी चलो 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 बिजली बिल आया था 63,850। मैंने बिजली ऑफिस कई बार आया, सर मेरी किस्त बना दीजिए, तो कोई किस्त नहीं बनाया। उन्होंने बोला पूरा पैसा बताइए और नहीं तो हम नहीं करते। तो मैं उसके बाद भी सामने वाला फिर आया, तब मेरे पास पूरा पैसा था, 50,000 ले लो, 40,000 ले लो, ऐसा करके बोला नहीं बनाया। तो सर एक दो किस्त महीने में फिर बना दूँ, फिर बता दूँगा, नहीं पटाया। तो आखिर मेरे पास चिल्लर था, वो चिल्लर लेकर मैं पूरा पैसा लेके आया हूँ, फिर मेरा पूरा बिल लिया। और तो काउंटर गया, काउंटर ने बोला 1,000 के ऊपर नहीं लेंगे। फिर मैं थाना गया, थाने में यही साहब के बात हुई, फिर मैंने बिजली या फिर भेजें तो आपको बोल रहे हैं कि ठीक है बैंक में ले जाकर जमा कर लेंगे। नहीं किया गया था क्योंकि उनका बकाया राशि था, तो उसमें 35,000 का करीब बिल था, तो वो 35,000 का सिक्का लेके आ गए। और चूँकि बैंक जो कलेक्शन होता है वहाँ लंबी लाइन थी, भीड़ बढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि आपको टाइम लगेगा 35,000 रुपये को गिनने में करके, या तो आप बैंक चले जाइए या कुछ देर रुकिए। तो फिर वो उस बात से नाराज़ होकर वो थाने चले गए, मना किसी ने नहीं किया सिक्का लेने से। उनका बिजली बिल कितना है सर? उनका बिजली बिल लगभग 35,000 रुपये का बकाया राशि था जिनका उनको भुगतान करना था। सिक्का लेकर के आए थे? हाँ, टोटल सब संपूर्ण 35,000 का वो सिक्का लेके आए थे। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है अभी जो कलेक्शन सेंटर से, उन्होंने बताया कि टोटल 35,000 रुपये को वो सिक्कों में ले आए। तो उसको गिनने से अन्य उपभोक्ता जो लंबी लाइन लगा कर उसमें टाइम लगता, जिस कारण से उन्हें कहा गया कि आप इंतजार करिए या डायरेक्ट बैंक में चले जाइए, तो वो उससे नाराज़ होते थे। थैंक यू।